नीच निवे नदी रो मूदलो बो रेवे नदी के बीच। तो निवन बड़ी है निवन प्रणाम निव फण और प्रणाम करे जिकर बेड़ा पार हुए। संतारी बात केवड़ी है कि जिनके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन भी शुरू नहीं है। और बने जी का आजकल छोटा मोटा गुरु ही बने के महाराज पौधो जी का बेची ले लिया बनो उधर छोटो मोटो गुरु ही बने चेले झंझट ना रहे क्या ना। हाँ छोटा बने सो हरी पावे भगवान छोटो बने आप छोटो बने बड़ो नहीं बने बड़ो बड़ाई ना करे ना बड़ा ना बोले बोल रही मन हीरा पार होवे कदे न कहवे अपनो मोल। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं तो फल लगे अति दूर। बड़ो नाम परमात्मा है राम सा बड़ा राम का नाम। देवन के गुरुदेव हो आप बड़े जगदीश हो बेड़ी भव जल बीच में गुरु तारो विश्वाबी हो गुरु रघुविंद दोनों खड़े गुरु रघुविंद दोनों खड़े मैं किन के ला राम जी राम राम जी राम। बलिहारी गुरुदेव ने तो गोविंद दियो बता जियो हमारो जियो। गुरु की कृपा से गोविंद का दर्शन हुए गुरु ज्ञान हुए गुरु रूपी ज्ञान ज्ञान हो जाए तो गोविंद का दर्शन हो जाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े और कांके लागू पाव बलियारी गुरुदेव ने तो गोविंद दियो बताए। तो इर वास्ते गुरु की कृपा हुई है जना आज गोविंद का दर्शन होया है। जोधपुर दरबार राजा मान सिंह जी बड़ा एक संत महापुरुष होया गुरु में हमारे भजन भाई ने बतावे और कहे के मन कर मनवारे हे पिला जो हरि मन कर मनवार पिनायो रे हे दयालु माने हरि रस पायो रे माने हरि रस पायो रे माने कर मनवार दाता हरे कर मनवार हे पायो रे दयालु रे माने हरि रस पायो रे। यो भाई
राजा मान सिंह लिखे कर मनवार पिलायो बुरा सा माने प्रेम पियालो पायो आयो। और संता ने बताइए अरे असंग जुगारी मारी नींद जुड़ाई हो असंग जुगारी मारी नींद जुड़ाई माने सुसोड़ा ले आए माने सुसोड़ा ले आए ये तजा दुर माने हरी रस प्रेम प्यालो पाजो रे सतगुरा माने प्रेम प्यालो पाजो रे
हरि रस पायो सतगुरा माने प्रेम प्यालो पायो दयालु रे दाता प्रेम प्यालो पायो और हरे अड़सठ तीर्थ मरे पूरा सर सर दे अड़सठ तीर्थ मारा पूरा सहज सर मैं तो हो पिता गंगा जमन नावन नायो मैं तो पिता गंगा जमन नावन रे दया दुर माने हरि रस दयालु रे माने हरि रस पायो रे बढ़िया की बात ये है अड़सठ तीर्थ मारे गुरा सारे शरणे अरे मैं गीता गंगा ज्ञान नावन नायो रे अड़सठ तीर्थ किसा सर्वप्रथम गुरु है जिसका माता पिता माता पिता की सेवा हो जाए तो अड़सठ तीर्थ रो नावन सफल हो जाए और माता पिता की सेवा नहीं हो अड़सठ तीर्थ रो नावन करे तो संत महात्मा लिखे कि तन को धोया मगर मन को ना धोया तो फिर गंगा नहाने से क्या फायदा कभी प्यासे को पानी पिलाए नहीं तो घर अमृत पिलाने से क्या फायदा राजा मानसिंह जी लिखे देव नाथ गुरु सामर्थ मिलिया अरे देव नाथ गुरु सामर्थ मिलिया दयालु रे माने और अरे हरि रस पायो रे मन कर मन मार दाता कर मन मार प्रभु कर मन मार पिताजो रे दयालु रे माने हरि रस पायो रे जिनका घटके
अंतर धाम में ऐसे दीन दयाल को मेरा बार बार प्रणाम ऐसे दीन दयाल को मेरा बार बार प्रणाम विराजमान अपने इष्ट गुरु का जयकार जरूर लगावे। बोलिए अपने अपने इष्ट गुरुदेव की, माता पिता गुरुदेव की, गुरु विश्वकर्मा भगवान की जय, बोलो खेतेश्वर भगवान की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो।